गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स आवर डे 3 इन थाईलैंड एंड वी आर मॉर्निंग को लेकर निकलते हैं। आपकी वजह से लेट हुए हम। पता कब से उठा हुआ मैं? अरे रहने दो, कह तो सोया ही नहीं। सो इट्स आवर डे 3 इन थाईलैंड। रात को तो यार हम सो गए थे, वैसे लेट सोए तो लेट ही थे, बट हम बैठ के बातें कर रहे थे। और आज हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड एंड मुझे ऐसा लग रहा है बाकी सब सो रहे हैं, हम सिर्फ कुछ ही लोग हैं यहाँ पे गिनती के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड थोड़े से आगे भी है 1, 2 और बाकी सब क्रिएटर्स हो रहे हैं। दो दिन ये और गर्ल्स में सिर्फ हम ही हैं क्योंकि हमने हम उनके कामयाब एक जगह से समझ आना। ठीक है, तो अभी आपसे मिलते हैं कोरल आइलैंड। सो हम पहुंच चुके हैं पताया बीच एंड वहां से हम जाएंगे बोट के ऊपर कोरल आइलैंड एंड यहाँ पे हमें थोड़ी सी बार्गेनिंग करें क्योंकि हम हैट्स खरीद रहे हैं। कौन दिलवा रहा है? मैं सबको टोपी पहनाता हूँ, मेरी सबको टोपी पहनाता हूँ, टोपी पहन के भी पैसे लेता हूँ। ओ शिट, ठीक है ना, आप जल्दी दे दो। धूप में आगे होता मैं देख रहा हूँ असरदार है। नहीं लग रही है ये, ज्यादा नहीं लग रही है। कॉम्प्लीमेंट करिए आउटफिट को। भाई इनको बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, कैसी बार्गेनिंग करते हो? नहीं मुझे तो आती नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ। भाई आप क्या इंडिया में जाके देखो यार, 1000 से 100 में आ जाते हैं यार, 10 बात भी कम नहीं कर रहे हैं। फिर ये करेगा ये भाई, इनको कोई समझाओ यार, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी लग रही है वाली, ये वाली अच्छी लग रही है जो डाली हुई है। हाँ हाँ, फाइनल फाइनल फाइनल। सो हम एंटर कर रहे हैं बोट के अंदर। यार मेरे को ऑनेस्टली थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है। शिट, अब मुझे लग रहा है हम बहुत गंदे वाला टैन होने वाला है। ओके, यहाँ पे बहुत क्राउड है यार। आप जितने भी दोस्त भाई फैमिली यहाँ बैठे हो, सबका क्या हाल चाल है? Awesome. Are you okay? Yes. मजे मस्ती के लिए रेडी हो? Yes. आप तमाम लोग इंडिया से आए, आई एम राइट? यस। कोरल बीच पहुंचने के बाद हमने करी वहां पे पैरासेलिंग। यस, ये वीडियो में मैं ही हूँ। वैसे तो मैं लाइफ में बहुत ज्यादा एडवेंचरस हूँ, बट सच बताऊं यार, यहाँ तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि मेरी लैंडिंग 2 बार हुई है। दोनों बार मैं पानी में गिरने वाली थी, बट उन्होंने वापस से बोट घुमाई और फिर जाके मेरी एग्जैक्ट लैंडिंग हुई है। बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी फन एक्सपीरियंस एंड मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया और जो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तो गाइस, काफी लंबी और स्केरी बोट राइड के बाद हम आए अपनी थर्ड एक्टिविटी पे जो कि थी मोटर बाइक। यार वैसे तो हमने वहां पे 4 एक्टिविटीज करी थी। फर्स्ट थी पैरासेलिंग जो आप ऑलरेडी देख चुके हो,
सेकंड हमने करी थी अंडर वाटर, जो कि ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस था, बट यार उसकी क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे फोन ही अलाउड नहीं थे, बट उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अलग से शेयर करती हूँ। सो अभी हम बात करते हैं थर्ड एक्टिविटी जो की थी मोटर बाइक। यार ये मेरी पर्सनल फेवरेट एक्टिविटी थी क्योंकि इसमें हमने पूरा सी का व्यू एंजॉय किया जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था एंड बहुत ही ज्यादा मजा आया। एंड राइड के बीच में जो यू नो ये राइड कर रहे हैं, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं ड्राइव करने में, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप ड्राइव करना चाहते हैं, एंड मेरा रिएक्शन था कि नहीं यार आप ही ड्राइव करो, क्योंकि मुझे लगा अगर ये कंट्रोल मेरे हाथ में आया तो ये पक्का डूबने वाली है। बट यार ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो इस राइड में बहुत ज्यादा मजा आया। छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइज उसके बाद हम आए अपनी लास्ट और फाइनल एक्टिविटी जो की थी बनाना राइड। यार वैसे तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी और इस एक्टिविटी में मेरे साथ थे कनिष्का और हर्ष। और इस एक्टिविटी में जाने से पहले जो आपको लेके जाते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं कि आपको पानी में डिप करना है या नहीं करना है, ठीक है? तो मेरा और कनिष्का का तो सेम था कि नहीं हमें डिप नहीं चाहिए, एंड बट हर्ष को डिप चाहिए था। तो ये भी कॉन्वर्सेशन सुनना कि हम कैसे आगे लड़ने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। देखो यार जहाँ पे गर्ल्स हो वहां तो ऐसा हो नहीं सकता किसी और की चले, जस्ट किडिंग। सो हर्ष को करना पड़ा गिव अप और हमारा फाइनली डिसाइड हो कि हम डिप नहीं लेने वाले हैं। सो हम निकल गए अपनी बनाना राइड के लिए और ये हम वापस आते हुए आप हम तीनों के चेहरे देख सकते हो कैसे यू नो खिलखिला रहे हैं, क्योंकि हम इस राइड में बहुत ज्यादा मजा आया। ये हम तीनों के फेसेस से पता चल रहा होगा कि नो कि हमने इस राइड में कितना ज्यादा मजा किया। यार इतने प्यारे व्यू में अगर हीरोइन जैसे दो तीन पोज नहीं मारे फिर तो क्या ही फायदा। सो अब मैं आपको बताती हूँ अपनी अंडर वाटर एक्टिविटी का एक्सपीरियंस। बट मुझे लग रहा है कि आज जब हम रात को सोने वाले हैं ना बहुत ज्यादा, और हमारा ना सर अभी भी इतना ज्यादा घूम रहा है ना कि क्या ही बता। बट ओवरऑल इट वाज अ फन एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। एंड हम दोनों की आवाज बैठ चुकी है चिक चिक के, है ना? सो गाइज अभी हम जा रहे हैं होटल वापस। टाइम कितना हो रहा है? आई गेस 5 बज गए होंगे। वैसे हमारे मतलब बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत ना आया। एक्सपीरियंस लगा आपको? बढ़िया था। आपने आपने तो एक्टिविटी भी नहीं करी। आपने आपने दो नहीं करी, एक नहीं करी क्या? दो नहीं यार। बट यहाँ पे आके एक्चुअली थाईलैंड वाला फील आ रहा है। अभी नहीं लग रहा थोड़ा सा थाईलैंड वाला सीन? जब से आया तब से ऐसा लग रहा है इंडिया में ही है। वैसे इंडिया की तो गोवा की तरह लग रहा है। वैसे तो इंडिया की रोड इससे भी ज्यादा अच्छी थी, बट अभी थोड़ा सा एक्चुअली में थाईलैंड वाला फील आ रहा है। तो गाइज ये था हमारा थाईलैंड का डे 3 जो कि बहुत ही ज्यादा फन एक्टिविटीज से भरा हुआ था। उसके बाद हम होटल गए, होटल से गए रात में क्लब, और हमने सुबह तक डांस किया और फिर हम आए अपने होटल रूम पे वापस। सो आज हमारा लास्ट डे थाईलैंड के अंदर एंड अभी हमारी फ्लाइट है शाम की 6:50 के अराउंड पे। सो उन्होंने बोला है कि हमें ऑलमोस्ट 6 आवर्स का डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि 3 आवर्स दूर हमारा एयरपोर्ट। सो हम ऑल सेट है एयरपोर्ट जाने के लिए एंड आई एम वन ऑफ दिस थाईलैंड एंड आई एम डेफिनेटली वन ऑफ दिस बिकॉज जैसा भी था बट कुछ बहुत अच्छे फन मेमोरीज नहीं है सर। सो आई होप यू लोग एडिट होके आए और आप देखो और आपने काफ़ी मतलब लोग इन्जॉय करो। सो मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी में, जब सारे क्रिएटर्स आ जाएंगे ना तो मैं वापस से आपको मिला दूँगी। बाय। बच्चों का पूछता फाइनली आज आपका लास्ट डे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझे घर जाना है बस। मुझे घर छोड़ दी, मुझे घर जाना है। सही में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और हमारा जो थाईलैंड
का ट्रिप था वो अब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब क्या ओवर ही हो चुका है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, ऐसे मुंबई वाले क्रिएटर्स चले गए यार सुबह सुबह, मिल भी नहीं पाए यार उनसे। शिट ये पीछे भी ब्लॉगिंग चल रही है, मीट पंच क्या हुई। हम फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे गले की बैंड बच चुकी है, इतना ठंडा भी है ना हमने इस 3 दिन थाईलैंड के अंदर। बट फाइनली अब हम इंडिया जाएंगे सुकून से, चाय पीऊंगी मैं जो मैं पी नहीं पाई थाईलैंड के अंदर। तो एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले हमारा चल रहा है फोटो सेशन, ये सब हम फोटोज खींच रहे हैं। थाईलैंड ही रहना है क्या, जाना नहीं है इंडिया वापस, सब चले गए हमको छोड़ के। दाल पीली दाल और चावल का काम शुरू करना। अभी हम जा रहे हैं अंदर, सब जा चुके हैं अंदर, हम ही रह चुके हैं, यू नो कि हमें बाहर ही निकाल दे एयरपोर्ट से। गाइस लेट्स गो, लेट्स गो। अच्छा दूसरों का बैग है, तभी 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 बैग नहीं उठ रहा। मैं सोच रही हूँ बंदा बैग ऐसे लेके क्यों जा रहा है, ये रही बैग की असली ओनर। मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी मम्मी को दिखाऊंगी। तभी मैं सोचू ये लड़का बैग उठा क्यों नहीं रहा है, सिस्टम है भाई, करते हैं क्या भाई, गलत बात है। यहाँ खींचो यार फोटो, यहाँ सेक्सी आएगी। अभी फिर से फोटो सेशन की डिस्कशन चल रही है, ये नहीं जाने वाले भाई, ये फ्लाइट छोड़ देंगे पक्का, इन सब के चक्कर में फ्लाइट जरूर छूट जाएगी मुझे लग रहा है। इतने दिन तो थाईलैंड भी रहते हुए नहीं हुए, 15 दिन मौजी की पूछ रहे हैं। उनसे बोल रहा है कि हम लोग 15 दिन से। हाँ और क्या बोल रहे हैं कि अरे इंडियन चेहरा नहीं देखा, 50 लोग साथ में घूम रहे हैं इंडियन के ना, इंडियन चेहरा नहीं देखा, पीली हो गई है थाईलैंडी। हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको क्या खाना है, कब डिसाइड होगा कि हम क्या खाने वाले हैं, जब हम टेक ऑफ कर जाएंगे यहां से, टेक ऑफ कर जाएंगे। हम हर एक आउटलेट से खुशबू लेके आ रहे हैं। हम खाने के लिए पहुंच चुके थे बर्गर की, और हमारा डिसाइड भी हो चुका था कि हम ये खाएंगे, लेकिन उसका रेट ज्यादा सुन के हम वापस आ गए। हम वापस वही आ गए हैं, फिर हमको लगा कि बहुत ज्यादा है। आ जा भाई, हमको लगा इसे तो होंगे 1 घंटा वेट करके फ्लाइट में खा लिया। इसको पूछते भी नहीं अपने इंडिया में, कोई घर वाले भी बोल देते हैं मंगाए तो मैसेज बोल देते बार बार के ब्रेड पकौड़े मंगा लो, अभी मन नहीं खाने नहीं करते। और यहाँ पर देखो बात तो देखो सच है, आप भी बस हम भी घूम रहे हैं सबकी तरह, हमारी शक्ल देखे वो पहले समझदार हो, कह रहे चलो वापस चलते हैं। फाइनली हमें वापस अपने वाले चेहरे दिखे, थोड़े ढूंढ रहे थे हम, वो अच्छे थे यहाँ पे, चीता ही कह दे। अभी भी हमारे ग्रुप के सुन एक मेंबर हो रहे हैं भाई, सुनो भाई कनिष्का का है, भाई कनिष्का, अरे सॉरी मैनू चीता कह दे, एनू चीटी कह दे, मेरा वो मैं कार्ड नहीं लेता हूं, क्या कह रहे हो भाई। और ये कितने का है, 720 है, ये नकली से नहीं लग रहे कुछ, ओरिजिनल है भाई, देख दबरे हैं भाई, हमने डिसाइड कर पा रहे हैं, बट हमने कुछ हमने ऑर्डर तो किया है ना। मैं ये बैग लेके, मेरा इमिग्रेशन था यहाँ पर, अच्छा तो पानी की बोतलें निकाल ली, ठीक है सारे भी थे, ठीक है हाँ कर देना बाबा मत कर, ठीक है ना, बोल बोल चिपकली खड़ी रह, बोलती रह, अरे चुप रह अब भैया, काव काव कर रहे, बोलो चली जा भाई, तुम पते की बात मत बताना, लड़ते रह रहे एकदम ना, बात भूल गए, याद आ गया, सॉरी यार, ये दिया तुम ना, मेरा वो डाल देना, मेरे को मीम भी याद है बंदों की। भैया गाइस एक बहुत बढ़िया व्लॉग आने वाला है, जो वो ना मैंने ना बैग ना एकदम ऐसे उठाया, बैग हल्का हो गया था तो मेरे को लगा भारी बैग है, तो मैंने एकदम उठाया बड़ी तेज, और उतनी तेज मेरे लगा यहाँ पे, और वो हंसने लग गई, तो मैंने कहा कितनी, मैंने कहा कितनी खिलखिला रही है, मैंने कहा पानी लेके इंसान हुआ ऐसे, तो मैंने पानी पी लिया। एक और आया इसका दोस्त चेतन, हमारा चेतन आया, तो ले लेना पानी, नो 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 नो, फिर भी पी गया वो, कह रहा माय फ्रेंड इज थर्स्टी, ठीक है तो कह रही नो नो नो, तो इन्होंने ना इन्होंने ले लिया, थैंक यू, इन्होंने पानी ले लिया, और पानी पिया भी किसने, जो दारू की पीने की एक्टिंग करता वो थर्स्टी, उसने कभी दारू नहीं पी लड़के ने, बताओ बट
बट तुम कह नहीं सकते यार, दारू नहीं पी ना कुछ नहीं करी अंकल सॉरी। आपके आपके कौन से जीन्स आए हैं आपके लड़के के अंदर ये मेरे को बता दो, कैसे आए वो प्लीज बताना। जयगुरु दारू की हड्डी करता सो ये अंकल नहीं यार, मैं उसकी बहुत बचपन की दोस्त हूँ आज तक। बहुत बचपन, अरे नहीं भाई कह रही है मैं उसकी बहुत बचपन की दोस्त हूँ। इसकी बात सुन भाई, बचपन चल रहा है यार तेरा तो अभी भी, वो तो जवानी में पहुंच गया। अभी बहुत बचपन की बात है, बड़ी नहीं हो पा रही निकली। ये ना बचपन के ना लूप, जो लूप होता है ना लूप, जो फंस जाते ये लूप में फंस गई है। अरे भैया पैर मत उठाओ, छिपकली मर जाएगी हमारी। भाई ये कंटेंट देते ना कि ये व्लॉग बहुत एक्सटेंड हो जाएगा। सो गाइस हमने फाइनली ऑन बोर्ड कर लिया है फ्लाइट में, एंड गेस व्हाट, हम फ्रेंड्स देख रहे हैं यार। ये मेरा इंडिया पहुंच चुके हैं, यानी दिल्ली पहुंच चुके हैं वापस, और हम जा रहे हैं अपने घर। और ये ट्रिप का फाइनली द एंड हो चुका है, एंड आई थिंक हम बहुत मिस करने वाले हैं एक दूसरे को। कंपनी हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा मिस करेंगे, एंड बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया हमने साथ की कंपनी। इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिली हूं, इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिली हूं, है ना। बट बहुत अमेजिंग वाइब थी, बहुत मजा आया। सो ये था हमारा थाईलैंड का ब्लॉग, और आई होप आपको ये ब्लॉग, ये कॉपीराइट दिलवाएंगे मुझे लग रहा है। हमने लिरिक्स भी चेंज कर दिया यार। सो यहाँ पे हमारे थाईलैंड के ब्लॉग का होता है दी एंड। सो यहाँ पे हमारे, दे आर नॉट गोना लेट मी स्पीक, पहले तुम ही कर लो फिर मैं करती हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारे थाईलैंड के ब्लॉग का होता है दी एंड, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल उसका ब्लॉग्स, एंड आई विल सी यू वेरी सून, बाय।